ऑल राइट, हेलो गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। एंड द लाइव इज स्टार्टिंग वेरी सून। ये मैंने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दिया ऑडियो, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं मर चुका हूँ। आई एम प्रेटी मच अलाइव। ऑल राइट, चलो सुपर ग्रेट, लेट मी डू सम चेक्स एंड देन वील स्टार्ट ऑफ विद द लाइव। ठीक है, और मैं अपनी ट्रांजिशन भी कर दूंगा। सो आई होप यू गाइज आर एबल टू ज्वाइन। एम आई एबल टू शो यू गाइज? अच्छा, ओके, हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। हाँ, लाइव आ रहे हो आप लोग? ग्रेट ग्रेट, हाय हाय हाय। चलो भाई, यो इनोवात, आई लाइक द थिंग्स। चलो, वाह, नॉट मच लागा, मेरी ऑडियो वीडियो भी क्लियर है। अभी मैं वीडियो ऑन करता हूँ, चलो। हाय स्नेहा, हाय सक्षम, हाय ऋषिका। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ गाइज, तुम लोग कैसे हो? आई वॉन्ट टू नो भाई, ठीक हो? एंड लेट्स फेड एंड हेयर बी आर। क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षत शर्मा। कैसे चल रहा है सब? हैं जी, आ चुके हैं हम लाइव क्लास के साथ आपको। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही हो। हाय श्रीजा केवी, हाउ आर यू? सर पूछ रही है स्नेहा। अरे मैं तो मजामा, राइट नाउ इन पजामा। हाँ जी भाई, ग्रेट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने अपना वो डाउनलोड कर लिया हो, जो उसकी तरफ से, एनडीए की तरफ से एक वो आ रहा है, लेट्स सी एक साथ। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से समर्थ डॉट एनटीए ऐसे कुछ है, CUET किया है। ये देखो CUET.samarth.ac.in, यहाँ पे कोई आया है। एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जाम सिटी अलॉटेड, ये देखो यहाँ पे आ चुकी है। एप्लीकेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ अगर आप अपने लगा लोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। और आप में से कोई प्लीज़ अपना एक वो भेज सकता है, लाइक इन द टेलीग्राम ग्रुप, इफ़ यू कैन सेंड वन ऑफ योर वो। गुड मॉर्निंग प्राची, तो मैं एक बार देख लूँगा कि कैसा कैसा आया टेलीग्राम ग्रुप। और हमारी आप लोग टेलीग्राम की मेंबरशिप ले सकते हो गाइज, बहुत ही अमेजिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे तो किसी चीज़ में लगते ही नहीं ऑब्वियसली, है ना। तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम कम्युनिटी, बहुत ही प्यारी कम्युनिटी है, बच्चे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आई लाइक इट अ लॉट। चलो गाइज, आगे करते हैं काम, एक बार पता चल जाए। आई हैव सीन, वैसे अभी अभी मैं आया है, लेट मी चेक, मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो था, एक बच्चे ने मेरे को भेजा है, लेट मी चेक। एंड व्हाट्सएप पे मैं ये भेज भी देता हूँ। चलो गाइस, अच्छा तो मेरे को यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज आपका नेम है, और क्या है भैया, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नहीं है। स्लॉट 1 9:15, स्लॉट 2 3:45। अरे बाप रे, तो 12:15 से 3 बजे तक बच्चा करेगा क्या? पहले 9 से 12:15 के अंदर बच्चे का इंग्लिश, ज्योग्राफी और जनरल टेस्ट है,
और स्लॉट टू के अंदर पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी है। अच्छा जी, तो ये तो कोलकाता की बच्ची है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग है? अरे बाप रे, स्लॉट वन एंड स्लॉट टू की डेट ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग है गाइस? डिड यू गाइस चेक इट आउट? डिड यू गाइस सी? स्लॉट वन और स्लॉट टू की मेरे ख्याल से डेट ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग है। यस एब्सोल्युटली, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। एक बार मैं ना मैं थोड़े से रेलेवेंट चेंजेस कर देता हूँ इसके अंदर, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आप लोगों की कौन सी डेट्स आई हैं एक बार देख के बताओ। जैसे कुछ ने बोला था 4 अगस्त, 2 अगस्त, अब तो उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका होगा, क्योंकि किसी की एक 4 अगस्त है तो दूसरी चीज जुलाई में हो सकती है, या फिर जुलाई के बाद अगस्त अगस्त की हो सकती है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज। चलो एक नई चीज़ पता चली, लेट मी शो यू। तो ये तो बड़ी दिक्कत है भैया, काफ़ी दिक्कत है। ये तो एक 16 तारीख है इधर और दूसरी 5 अगस्त है। 16 और 5 अगस्त में काफ़ी डिफरेंस है, बट चलो अच्छा है ना। 19 जुलाई, 8 अगस्त, मेरी स्लॉट टू की 16 जुलाई है और स्लॉट वन की 4 अगस्त है। वेरी वियर्ड, मेरा 5 अगस्त है, आई हैव एग्ज़ाम ऑन 16th। रियली वियर्ड गाइज, रियली वियर्ड। तो एनटीए आई डोंट नो क्या कर रहा है, बट जो भी कर रहा है चलो एटलीस्ट कर तो रहा है, ठीक है। आई एम प्रेटी मच हैप्पी विद दैट। एंड आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। अगर आप लोगों की जो भी डेट्स आ रही हैं, आई वुड से अगर आपका स्लॉट वन पहले है, आपके स्लॉट वन में साइकोलॉजी है या नहीं है आई डोंट नो, है ना। लेकिन अगर साइकोलॉजी आती है स्लॉट वन में, दिस इज़ द टाइम आप उसकी पढ़ाई करो अब से, क्योंकि आपको डेट मिल चुकी है। फोकस ऑन योर स्लॉट वन, जो भी आपका डेट पहले पढ़ रही है, चाहे वो स्लॉट वन है चाहे वो स्लॉट टू है, जो भी डेट पहले है पहले उस पर फोकस करो। और अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस, जैसे हिमांशु ने बताया उसका 19 जुलाई और 8 अगस्त है, 8 अगस्त वाला अलग से करो, है ना, उसको अलग से करो। फ्राइड शुगर कह रहा है सर अनरिलेटेड, बट आपने कभी अब्रॉड कॉलेजेस नहीं डिस्कस नहीं किए? हाँ नहीं किए, क्योंकि अभी हम इंडिया पे ही फोकस कर रहे हैं, एंड आई वॉन्ट किड्स टू स्टे इन इंडिया, बिकॉज बाहर जाने का कोई पॉइंट आज सच है नहीं। अगर आपको बाहर जाके साइकोलॉजी पढ़नी है, गो टू स्टैनफोर्ड, गो टू ऑक्सफोर्ड, बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के लिए जाओ। लेकिन गोइंग आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग आउट, क्योंकि हमें देश से बाहर जाना है ना, वहाँ की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ करे, अपॉर्चुनिटीज़ आर बेटर, तो मैं वो सब डिस्कस करता ही नहीं। मुझे अपना देश प्यार है भाई, एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ नेशनलिस्ट, यस आई एम, आई लव माई इंडिया, देयर फॉर मैं इंडिया को ही डिस्कस करता हूँ। हमारा साइको प्रोडिजी की तरफ से करियर काउंसलिंग AI जो निकल रहा है, बहुत ही सून आने वाला है। इट इज़ अ मैकेनिज्म जिससे इंडिया का कहीं का भी बच्चा किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी साइकोलॉजी का कॉलेज देख सकता है। हाय मैं साक्षी, इतीक्षी क्या हाल चाल है? मैं तुम्हें साक्षी बोलता हूँ, बताओ। हाँ भाई शुरू करें, शुरू करें गाइस। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एनटीए का मॉक टेस्ट है, एनटीए का मॉक टेस्ट है हमारे आंखों के सामने। एंड बिग शाउट आउट टू सक्षम फॉर सेंडिंग दिस। सक्षम वॉज अ ग्रेट गाय, है ना, इज अ ग्रेट गाय, वॉज के क्या बात है। तो एनटीए का मॉक टेस्ट है ये। आई होप आप लोगों को मेरा पेन भी दिख रहा हो और आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है। इज द क्वेश्चन विजिबल टू यू गाइज? क्वेश्चन विजिबल तो है ना, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन विजिबल ना हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो पॉइंट क्या बनता है। चलो यस ग्रेट, क्वेश्चन विजिबल है, दैट्स व्हाट आई वांट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। चलो आगे चलते हैं। यस यस यस, आयुष का आ गया, जो भी यहाँ पे है लाइक कर दो यार, 12 लोग रहे हैं तो 6 लाइक क्यों है, जल्दी से लाइक करो। आओ भाई पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा भाई साहब कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, क्वेश्चन करते कैसे, ध्यान से सुनना। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आई नो आप लोगों को आंसर आते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे क्वेश्चन को देखना कैसे। आपको दे रखे हैं सारे के सारे नाम, अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की, और लिस्ट 2 में किसने क्या दिया था। अच्छा जी, अब देखो सपोज मेरे को नहीं आता, मैं क्या करूंगा भैया, मैं सबसे पहले कोई एक पकड़ लूंगा जो मेरे हिसाब से सबसे इजी है। मेरे हिसाब से जेपी दास, जैक नेगलरी और कर्बी वाला पास मॉडल होता है, तो बी का तो 4 ही होना चाहिए। बी का 4, बी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस वाले में बी का 4 है, इसमें नहीं है, तो ये स्ट्रेट अप कट गया, 2 कट गया, 3 भी कट गया, इसमें भी बी का 4 नहीं है, बचा 1 एंड 4। 1 एंड 4 में अब देखो ए और सी, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मेरे को ए आता तो मैं ए देख लेता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया था भैया? या फिर थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी थी, है ना? 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी, गिवन बाय हुम?
गिवन बाय लुइस थर्स्टोन है कि नहीं? आपको ऑप्शन क्या आ रहा है? एब्सोल्यूटली, बहुत बढ़िया। अब देखो, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, सात प्राइमरी मेंटल एबिलिटी गिवन बाय हुम? लुइस थर्स्टोन। सी का वन होगा, सी का वन, दोनों में सी का थ्री है, सी का वन। फोर इज द राइट आंसर, फोर आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्या आप लोगों का फोर आ रहा है? चार्ट में लिखते जाओ, चार्ट में फोर लिखते जाओ, ठीक है? जल्दी से लिखो, अगर आपका फोर आ रहा है तो फोर लगाओ भैया, अगर नहीं आ रहा तो कोई लोड नहीं है, ठीक है? बट जरूर लगाओ फोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर वन। आगे चलते हैं गाइस, चलो भाई आगे चलते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछता है? डैश इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमेना ऑकरिंग इन नेचुरली इन रियल टाइम। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ हो सकती है? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये तो हमारा पूरा पूरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट ही हो गया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेवियरल फिनोमेना को देखना है जो कि रियल टाइम में हो रहा है। अच्छा जी, साइकोलॉजिकल टेस्ट बिहेवियर को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो इसमें तो दोनों चीज़ें आती है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर इज अबाउट द पर्सन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम बिहेवियर को कुछ खास देखते नहीं है। केस स्टडी इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, तो फाइनल क्या बचता है? थ्री बचता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। प्रिटी इजी क्वेश्चन, प्रिटी इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग करिश्मा, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतिक्षी बहुत बढ़िया, सक्षम, पलक, श्रीजा, पूनम, बहुत बढ़िया। अरे पूनम पांडे का कुछ और नाम है, आई नो। ये तुम्हारी मम्मी का नाम है ना? बारह लोग देख रहे हैं अभी भी, स्टिल 9 लाइक्स, दैट्स सो बैड। माता रानी पाप चढ़ाएंगी। आओ भाई आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिस इज द स्पीड विच यू हैव टू हैव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में, मैं तो अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ यार। इन जेपी गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, कौन सा था वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट? रूबिक्स क्यूब जिसमें बनी हुई थी, जिसके अंदर एक ट्रेट के तीन वो थे, है ना? इसमें पूछा है कंटेंट क्या होता है, तो एक ट्रेट के तीन पार्ट्स थे, कॉप जिसे कहते हैं, कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। कंटेंट इज किस प्रकार का आपको मटेरियल मिल रहा है इन वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, है ना? इस रूबिक्स क्यूब के एक वाले हिस्से के अंदर क्या कंटेंट है? अच्छा जी, अब इसका रेफरेंस क्या है? फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस, नहीं ये तो होता है प्रोसेसिंग। अच्छा जी, नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन, हाँ ये हो सकता है। मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, क्या ये दोनों हैं? जी नहीं, क्योंकि ये आपका सामने सामने लिखा है, नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज वॉट कॉन्टेंट इज, इट इज द नेचर ऑफ मटेरियल। एग्जैक्टली राइट, हाँ आयुषी है हमारे साथ पढ़ती है, ग्रेट आयुषी, है ना भाई? क्या है ये? नेचर ऑफ मटेरियल ही तो है, एंड दैट इज वाई टू इज द राइट ऑप्शन, टू इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो कॉन्टेंट ऊपर वाला प्रोसेसिंग है, मेमोरी रिटेंशन ये है, ऑपरेशन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, है ना? ये सब हमारे प्रोडक्शन के ऑपरेशन का पार्ट है, और बीच वाला है वो है कॉन्टेंट की डेफिनेशन। गुड, आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर फोर, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन? गिफ्टेड बच्चों के अंदर कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? गिफ्टेड बच्चों के लिए, एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, ये तो सच है। दे हैव रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड ओनली, भैया ये गलत है। देखो सिंपल सी बात है, जहां पे आपको गलत दिख जाए, इसमें पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन में मोर देन वन आंसर नहीं दे रखा। अरे जब आपको दो मिल गई तो नीचे की दो देखनी क्यों है, देखनी क्यों है? क्या स्पेसिफिक फील्ड में होती है? अबे जिसमें स्पेसिफिक फील्ड में होती है उसे टैलेंट कहते हैं, गिफ्टेड वाले बच्चों के पास तो जनरल एबिलिटी होती है ना? देयर फोर टू इज द राइट आंसर, सिंपल सी बात है। टाइम बचाओ बेटा, इट इज ऑल अबाउट टाइम। अगर आपको आंसर दिख गया, नीचे के दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाउएवर एक चीज इंपॉर्टेंट है, नीचे के दो कब देखने? पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कहीं ऐसा तो लिखा टू एंड थ्री, ऑप्शन ये तो नहीं लिखा टू एंड फोर। अगर टू एंड फोर लिखा है तब आपको नीचे के पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उन दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है, समझ रहे हो? इसलिए आपको चौकन्ना रहना है। बट किसी इन क्वेश्चन पे तो मैं कहूंगा हार्डली 15 से 20 सेकेंड ज्यादा लगाने ही नहीं है, फॉर वेरी श्योर दे आर वेरी इजी क्वेश्चन राइट नाउ। अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, कॉग्निटिव कैपेसिटी एंड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, ये सब किसका पार्ट है? ये सब हमारा इंडियन इंटेलिजेंस का पार्ट है। पहले तो ये बताओ इंडियन इंटेलिजेंस का नाम क्या होता है?
इंडियन इंटेलिजेंस का नाम क्या होता? बुद्धि मत बोलना, बुद्धि मत बोलना गाइस। इंडियन इंटेलिजेंस का नाम क्या होता मेरे को ये बताओ, है ना। अब ये उनमें चार प्रकार की कॉम्पिटेंस होती है, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, इंडियन इंटेलिजेंस के अंदर चैप्टर नंबर वन का पार्ट है ये, है ना। चैप्टर नंबर वन का पार्ट है तो क्या दिखा हमें कि भैया इमोशनल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस में आता है आप अपने आप को समझो, किसी और को समझो। सोशल कॉम्पिटेंस में आता है लोगों के साथ बात करना। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग है। एंटरप्रेन्योरियल में होता है वर्किंग हार्ड। बचा एक ही कॉग्निटिव कैपेसिटी, एंड दैट इज ट्रू, एंड दैट इज ट्रू, है ना। इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं। वेरी गुड दीक्षी। तो इंडियन इंटेलिजेंस का नाम क्या होता है? इंटीग्रल इंटेलिजेंस होता है। इंटीग्रल होता है, हाँ इंटीग्रल ही होता है। गुड, तो इसका सही आंसर क्या है? 3 इज द राइट आंसर, कॉग्निटिव कैपेसिटी। गुड, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ इज नॉट अ टाइप ऑफ ह्यूमर अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस। इनको देखते ही नहीं है, अगर इन्हें देखे ही नहीं तो हमें हिप्पोक्रेटिस के पता है कौन से होते हैं? ह्यूमर्स सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, येलो बाइल। अच्छा मेलन को, पहली बात तो ना क्वेश्चन ही गलत है, मेलनकॉलिक और कॉलरिक। पहली बात तो दिस क्वेश्चन इज इटसेल्फ रॉन्ग, बिकॉज दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स, दीज आर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, दीज आर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। ह्यूमर्स कौन से हैं? ह्यूमर्स होते हैं ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, वो होते हैं ह्यूमर्स। ह्यूमर होता क्या है बेटा? एनी थिंग, एनी फ्लूइड विच इज इनसाइड आवर बॉडी। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना। आलोक, हाँ मैं बेटा एकदम बढ़िया हूँ आलोक। तो एक तो क्वेश्चन का इन्होंने प्लानिंग ही गलत करी है। बट स्टिल हमें बता, सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, मेलनकॉलिक, कॉलरिक। सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, मेलनकॉलिक, 4 गलत है। प्रकृति, प्रकृति क्या होता है मेरे को ये बताओ, वॉट इज प्रकृति? सिर्फ क्वेश्चन में मत रहो, ये भी बताओ कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। अभी भी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। सो 4 इज द राइट आंसर, वॉट इज प्रकृति। आई होप आप लोगों को पता हो। जो जो लोग आ रहे हैं लाइक जरूर करके जाओ यार वीडियो को, चैनल को। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, ऑब्वियसली कर रखा है। बताओ भाई व्हाट इज प्रकृति, मेरे को आंसर चाहिए इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहाँ चलें? क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which one of the following is an example of repression? Question को जल्दी पढ़ो परंतु ध्यान से पढ़ो। बहुत बढ़िया दीक्षित। Temperament and basic nature according to चरक संहिता एंड आयुर्वेद। Basically a type of personality। Personality को हम संस्कृत में प्रकृति कहते हैं। As simple as that। Which one of the following is an example of repression? Repression के अंदर क्या होता है भैया? कि जो आपकी feelings, desires होती हैं और actions होते हैं या thoughts होते हैं, इन सब को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इनको डाल दिया जाता है इन unconscious, और बंदा becomes unaware about them। बंदा becomes unaware about them। अच्छा जी, तो सब repression का मतलब क्या है? अच्छा जी, आओ भाई देखते हैं। पहले आया सप्रेशन ऑफ विशेज एंड डिजायर्स। ये तो हो सकता है, चलो देखते हैं, हो सकता है बट ना भी हो, क्योंकि सप्रेशन और रिप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। श्रेया मिनी वर्ल्ड कह रही हैं कि भैया क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा। बेटा बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन? मैंने काफ़ी जूम कर रखा है। बाकी लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 15 पीपल आर वॉचिंग दिस, लाइक कर दो जल्दी से। बाकी लोग भी बताएं क्या क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ढंग से? यस सर क्लियर है। बेटा आप अपना क्वालिटी बेटर करो, क्वालिटी का ऑप्शन होता है ना 720p या 1080p में चलाओ, अच्छा आएगा। आगे देखते हैं। सप्रेसिंग योर विशेस डिजायर्स, हो सकता है। स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, नो दिस इज नॉट रिप्रेशन, क्योंकि तो अनकॉन्शियस होने चाहिए। सप्रेसिंग एंग्जाइटी कॉजिंग थॉट्स एंड बैड मेमोरीज, अगेन ये भी तो वो है। स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम एक्टिंग योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये भी नहीं दिख रहा है ना। तो ये तो काफ़ी मिसलीडिंग सा क्वेश्चन दिख रहा है कि सप्रेसिंग एंग्जाइटी है। बट एक बात सोचो, एंग्जाइटी एंड थॉट एंड बैड मेमोरीज को हम इतना नहीं लेते, मेरे हिसाब से तो आंसर 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 1 एंड 4, 1 एंड 3 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। सो जो बेस्ट सूटेड आंसर है हम वही लिखेंगे, और बेस्ट सूटेड कौन सा है? हमारे हिसाब से नंबर 1 इज द बेस्ट सूटेड। बात ही खत्म, बात खत्म। काम खामे क्यों किसी और चीज़ पर ध्यान देना, क्यों किसी और चीज़ पर ध्यान देना काम खामे, है ना भाई? बात में दम है, बात में दम है। समझ आ रहे हैं? आई होप आप लोगों को समझ आ रहे हैं। गुड, ऐसे टेक्स्ट चला गया नीचे से, बट चलो कोई नहीं।
चलो भाई आओ भाई आगे चलते। क्लियर है आंसर? आ गया समझ? आई होप आ गया हो। आगे चलते हैं। सर जीएस जीके वीक है बेटा। अगर आपकी जीएस और जीके वीक है, मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है। आपको एक चीज़ करनी है, सबसे पहले तो आपको अपनी जीके सही करनी है। तो करंट अफेयर्स मंथ उसमें लिख दो। शुरू करो आप दिसंबर से, लास्ट ईयर के दिसंबर 2021 से करो। ये देखो जी, ये आपको मिल जाएंगे। इन सब पे ध्यान दो, इसके नोट्स बनाओ। ये हो गया आपका जीके का। जनरल स्टडीज करनी है तो आप अमेजोन पे जाओ, और यहाँ पे एक आती है जनरल स्टडीज बुक। मैं आपको बताता हूँ कौन सी बुक अच्छी है। बड़ी इजी सी बुक्स होती हैं। मतलब एक होती है जीएस की, जिसमें सब कुछ होता है, जनरल नॉलेज वाली, कि दुनिया कैसी है ना। कोई भी एक अच्छी सी, आप अपने आसपास जाओगे, किताब घर से ले आना, और वहाँ से आपको बढ़िया से मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। और अगर आपको अपनी थोड़ी सी जीके वगैरह और अच्छी करनी है, तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती है, लाइक प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण इट्स अ मैगजीन जिसके अंदर अलग अलग पेपर्स तो सॉल्व होते हैं, साथ में भर भर के आपका जनरल नॉलेज और जीएस भी होता है, जनरल अवेयरनेस भी होता है। अच्छा जी, अच्छा आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पाली पाली भागते हैं। लाइक कर दो यार, मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रोइंग एडोलेसेंट लर्न्स टू डील विद मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स इन अ सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे इन द डैश फेज। ग्रोइंग एडोलेसेंस आपको पूरा पूरा दे दिया भैया। एडोलेसेंस आखिरी स्टेज में होगा। कौन सी स्टेज होती थी? ओरल, एनल, उसके बाद फैलिक, फिर लेटेंसी, एंड फाइनली जेनाइटल। एज ग्रुप कौन सा होता है? 0 से 1 में ओरल, 1 से 2 कहूँगा या 3 कहूँगा मैं एनल। उसके बाद फेलिक आती है लगभग 4 से 7 साल की उम्र, लेटेंसी आती है 7 से 11 साल या प्यूबर्टी तक, और फाइनली प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक चलती है जेनाइटल एज, है ना। प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक चलती है जेनाइटल स्टेज। फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ऑप्शन नंबर 3। भैया 3 को टिक कर दो, क्योंकि जेनाइटल स्टेज के अंदर ही होता है ना। है ना भाई? श्रेया कह रही है, भैया मुझसे एक मिस्टेक हो गई है फॉर्म में। DU के अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट लेने थे जो 12th में थे, मैंने सिर्फ 2 ही किया था बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरी वीक थी। अब बेटा, अब तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब आई डोंट नो आप क्या करोगे, सिंस आपको ऑप्शन मिला था उनको ठीक करने का। 24 तारीख थी आप लोगों के पास, 23 तारीख थी, तो उस टाइम पे आई होप आप लोगों ने कर लिया, और नहीं किया तो इट्स फाइन। अब पता नहीं, आई पर्सनली डोंट नो कि इसका क्या होगा। इफ़ यू हैव अ वे आउट, मेबी आप कॉल वॉल करो, NTA में बातचीत करो, अगर वो उठाते हैं तो। हेल्पलाइन मेरे ख्याल से तो होगी, ईमेल वगैरह जरूर लिखो। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन सच एज व्रत एंड रोजा। हाँ, पूरा पूरा NCERT का एग्जाम्पल, आर एग्जाम्पल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे भैया, व्रत और रोजे में हम क्या करते हैं? हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं। बट देखो, इसमें ध्यान से देखो, इन्होंने दोनों चीज़ डाली है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। आपके हिसाब से 2 होगा या 4 होगा, ये बताओ मुझे। ऋषिका, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप जरूर चेक करो। एडमिट कार्ड नहीं, वो एक वो है शीट जो आ जाएगी, है ना। ये कहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, दिस इज सेल्फ कंट्रोल। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, है ना भाई। उसकी सेल्फ रेगुलेशन की डीपर चीज जो है, दैट इज वॉट सेल्फ कंट्रोल इज। सेल्फ रेगुलेशन का डीपर थॉट इज सेल्फ कंट्रोल, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया जा रहे हो आप लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज, सोसाइटीज और अदर इंडिविजुअल्स। पर्सनैलिटी के 3 एलिमेंट्स होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। और आपको पता है ये जो ईगो इड होता है, इड ही है जो नहीं करता सोसाइटी को वैल्यू। अब इसमें देखो, सुपर ईगो इज नॉट द आंसर, ईगो इज नॉट द आंसर, इड और लिबिडो। लिबिडो इज द एनर्जी विच एनर्जाइजेज इड, इट इज द एनर्जी विच एनर्जाइजेज इड, राइट। तो आपका बात ही खत्म हो गई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर ऐसा पेपर आ रहा हो भाई साहब, फुल आने चाहिए आप लोगों के, इट्स अ वेरी इजी पेपर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बट एक चीज देखिए, इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर पर्टिकुलरली जो वो है डिलीटेड सिलेबस, वो कवर नहीं हुआ है।
बट स्टिल इन्होंने तो सिलेबस में लिखवा रखा है डिलीटेड सिलेबस, सो इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी कि वेदर डिलीटेड सिलेबस विल कम और नॉट, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो इन्होंने बच्चों का पागल काटा, हमारा पागल काटा, एक्स्ट्रा मेहनत करवाई सबसे, हमसे भी बच्चों से भी, बट अगर आ गया और जिन बच्चों ने सोचा कि अरे नहीं आएगा नहीं आएगा, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। दो प्रकार के कल्चर होते हैं, कौन से होते हैं, कलेक्टिविस्टिक होता है और दूसरा होता है इंडिविजुअलिस्टिक। डायग्राम बनाए, डायग्राम। कलेक्टिविस्टिक होता है जिसके अंदर आई और ग्रुप के बीच में फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, और वही इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में क्या होता है, सेल्फ और ग्रुप के बीच में बुरी बुरी ग्राम बाउंड्रीज होती है। पूछा गया है विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंडिविजुअलिस्टिक है, विच इज नॉट। देखो कितने अच्छे लोग हैं जो नॉट को हाईलाइट कर देते हैं, कितने अच्छे लोग हैं। सो ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप मेंटेन्स हिज और हर इंडिविजुअलिटी, ये तो बात सही है भाई, इसमें तो कोई लोड नहीं है। देयर इज अ क्लियर डाइकॉटमी बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, एब्सोल्युटली ये बात सही है। डाइकॉटमी का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट आइडेंटिटी बेसिकली डिफरेंस। सेल्फ एंड ग्रुप रिमेन एट डिस्टेंस, एब्सोल्युटली राइट। अरे भैया जब तीन गलत है तो फोर्थ तो वैसे राइट होगा, आंसर इज फोर्थ बिना पढ़े, बिकॉज सेल्फ एंड ग्रुप हैव अ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। जी नहीं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्या बात है सर, मेरा सी टेट एच टी ई टी क्लियर है ए जी टी, क्या बात है आलोक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। क्योंकि कहते हैं ना, माँ कहती थी जितनी चादर उतने पैर पसारो, जल्दी उठ नौकरी ढूंढो, बेकार के शौक ना पालो, बेकार के शौक हैं पाले, सबकी जला दी खुद की बना ली, माले तेरे बेटे ने अपनी चादर ही बढ़ा ली, है ना भाई। तो बस यही बात है, आओ भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब मैंने तो और बड़ा कर दिया भाई, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होती है भैया, जिसके अंदर हम इंसान को कोई ऐसी फिगर्स वगैरह दिखाते हैं जिससे इंसान को पता ना चले कि ही और शी इज बीइंग असेस्ड, और हम उसको अनकॉन्शियस के मटीरियल को जानना चाहते हैं। मिनिसोटा मल्टीफ्रेजिंग पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI, EPQ आइजेंक्स पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर एंड 16 PF, ऑल ऑफ दीज, ये किस प्रकार के टेस्ट है जल्दी से बताओ, किस प्रकार के टेस्ट हैं ये, हमें आंसर तो पता है बट ये बाकी तीन किस प्रकार के टेस्ट हैं बताओ भाई, बाकी तीन किस प्रकार के हैं। ये जो बाकी तीन हैं, ये बाकी तीनों सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, ये बाकी तीनों सेल्फ रिपोर्ट मेजर है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्या है, चलो गाइस, तो इसका मतलब ये तीन आंसर नहीं है तो फोर्थ ही आंसर है, ड्रॉ परसेंट टेस्ट, अरे वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ परसेंट टेस्ट का कोई ऑथर नहीं है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद ड्रॉ अ मैन टेस्ट। ड्रॉ अ मैन टेस्ट इज गिवन बाय प्रमीला पाठक, ड्रॉ अ मैन टेस्ट इज गिवन बाय प्रमीला पाठक, बट ड्रॉ अ परसेंट टेस्ट इज नॉट, इसका जो आपका ऑथर है उसको नहीं दे रखा, सो डू नॉट कंफ्यूज इट, ठीक है जी। ये एक थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट था जो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू हैरन, अच्छा अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्न, हैरन कॉर्ने बोल रहा था, वाह वाह वाह, अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने कौन थी भैया, ये थी पोस्ट फ्रोडियन, ऑल्सो नोन एज न्यू फ्रोडियन, है ना। और इन्होंने क्या बात बोली थी, इन्होंने वुमेन के लिए बहुत बात बोली थी, वेन पेरेंट्स बिहेवियर्स टूवर्ड्स द चिल्ड्रन इज इनडिफरेंट डिस्करेजिंग एंड एराटिक, द चाइल्ड फील्स इनसिक्योर एंड ही और शी डेवलप्स अ सेंस ऑफ बेसिक एंग्जाइटी या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंटरपर्सनल रिलेशन, एक्सेसिव डोमिनेंस तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से बताओ। अच्छा इन दोनों में से मैं बताऊँ क्या ईजी तरीका है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी और ने दिया था, हु वॉज द ह्यूमन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरे को ये बताओ, वो कौन मनुष्य है, कौन मनुष्य है जिसने वो दिया था, है जी बताओ बताओ, अल्फ्रेड एडलर, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, अल्फ्रेड एडलर था भैया, जिसने क्या दिया था, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया था, कैरन हॉर्ने का है नहीं, तो सेंस ऑफ बेसिक एंग्जाइटी 4 इज द राइट आंसर। अरे भैया बात खत्म, समझ आया कि नहीं आया? हाँ नहीं ना समझ आया ना, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? आओ भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू लाजरस एंड हिज कॉलीग्स, चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेस वाले की बात है ना भैया, चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू लाजरस एंड हिज कलीग्स, डैश इज द असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, हार्म, थ्रेट और चैलेंज। पास्ट एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म, इतना भी हम क्यों खेलें, पास्ट एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता। आपके पास 3 ऑप्शन है, मेरे को इसमें से बताओ हार्म, थ्रेट और चैलेंज में से कौन सा है, बताओ भाई। हार्म होता है जो हो चुका है, चैलेंज इज अ गुड वे ऑफ सीइंग द पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, तो बचता है थ्रेट। थ्रेट इज द रियल वे कि हम पॉसिबल फ्यूचर डैमेज को करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया श्रेया मेहरवाल, आप दो नाम के बगैर, अल्फ्रेड एडलर और दूसरा एक और था है ना, तो इनके बीच में कंफ्यूज मत हो, जरूर इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ो, दोबारा से एक डिस्टिंक्शन बनाओ दिमाग में। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया भैया, 15 में चलते हैं। डैश आर इवेंट्स दैट कॉज आर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, विच आर द डैश आर द इवेंट्स दैट कॉजेज आर बॉडी टू गिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, क्या वो स्ट्रेस होता है? नहीं, स्ट्रेन इज एन एक्सटर्नल स्ट्रेस, डिस्ट्रेस हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3, अरे स्ट्रेसर ही तो होता है जो हमारी बॉडी को कहता है कि भैया वो दो स्ट्रेस रिस्पॉन्स दो, है कि नहीं, है कि नहीं? तो भैया दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड राइट नाउ, है ना भाई। चलो ग्रेट गाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रजत इज सेटिस्फाइड ओनली इफ ही डज एवरीथिंग परफेक्टली। अच्छा जी, परफेक्टली, दिस इज इंस्टेंस ऑफ, आपको जो ऑप्शन दे रखे उस हिसाब से परफेक्टली का मतलब है परफेक्शनिस्ट है बंदा, यानी अपने आप से एक्सेसिवली हाई डिमांड रखता है, और अगर हम अपने आप से एक्सेसिवली हाई डिमांड रखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। अगर कोई बाहरी मनुष्य मुझसे एक्सेसिवली हाई डिमांड रखता है तो मैं उसे कहता हूँ सोशल प्रेशर। तो भैया दिस इज अ केस ऑफ इंटरनल प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3, 3 इज द राइट आंसर, सोशल स्ट्रेस नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट दो ऐसी आपकी नीड्स के बीच में होता है, लेकिन बात आपकी बचती है फाइनली इस पे, है ना भाई, समझ में आया, समझ में आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं भैया। आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ GAS, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम, इन विच पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्स फॉर मोर कॉशियस यूज ऑफ बॉडी रिसोर्सेज। पहले देखते हैं कौन सी GAS में होती है। अलार्म रिएक्शन स्टेज, उसके बाद कौन सी होती है, अलार्म रिएक्शन के बाद दूसरी कौन सी होती है, रेजिस्टेंस स्टेज, और तीसरी होती है एग्जॉशन स्टेज। अच्छा जी, कौन सा नर्वस सिस्टम इसमें करता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें करता है पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसमें दोनों के दोनों ही फेल हो जाते हैं। तो भैया रेजिस्टेंस स्टेज होती है जिसके अंदर पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और वो हमारी बॉडी के रिसोर्सेस को बचाने के लिए मेहनत करता है, देयर फोर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, राइट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड गाइस। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा, ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा मैं, अगर आप लोगों को ज्यादा तेज लग रहा है तो मेरे को बता दो, आई विल बी स्लोइंग डाउन, बट आपकी खुद की जो स्पीड है वो इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए, जो बात है, ये तो मैं बहुत धीरे धीरे समझा समझा के कर रहा हूँ। गुड गुड इफ यू फील सो। चलो आगे चलते एंड आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। मोहित, अब यहाँ पे आ गया आपका, देखो केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। मोहित इज अफ्रेड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट अ फुल टाइम जॉब, उसे डर लग रहा है। द कोपिंग स्किल ही इज यूजिंग आर एम टू इम्प्रूविंग हिज इंटरव्यूइंग स्टाइल बाय प्रैक्टिसिंग डेली, व्हाट टाइप ऑफ कोपिंग इज ही यूजिंग। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, प्रॉब्लम फोकस, इमोशन फोकस, सेल्फ फोकस, अदर फोकस, 3 और 4 तो होता ही नहीं है बच्चा। प्रॉब्लम फोकस, इमोशनल फोकस, यानी वो दो वालों में से पूछ रहा ना कि 3 वालों में से। प्रॉब्लम फोकस का मतलब क्या होता है, आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करते हो और जो जो चीज़ें उनको बेटर करने की कोशिश करते हो, दैट इज़ व्हाट मोहित इज डूइंग। इमोशन फोकस में क्या होता है, वो रोने लग जाता है या फिर वो उस चीज़ से एस्केप आउट करता, कहता है अरे मेरे को अभी जॉब की जरूरत ही नहीं है। सो सिंपल सी बात है, 1 इज द राइट आंसर, कितना ईजी क्वेश्चन। अरे भैया जान लोगे मेरी, इतना ईजी क्वेश्चन दे दिया और अभी भी गलत करोगे तो पटाई करूंगा मैं। आगे चलते,
क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं. इफ अ पर्सन हैज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल ही और शी इज हार्ड टू हैव इंटर. अब देखो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये तीनों किसकी हैं? लिली से मन भर के किया, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की है ना. इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस होता है. कैसे याद करोगे? इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. इंट्रा चाहे आपको पता ना हो, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन तो सब समझते हैं जब बाहर के स्कूल बहुत सारे मेरे एक स्कूल के अंदर आते हैं, है ना. यानी व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप विद अदर्स तब वो क्या होता है? इंटर होता है. इंट्रा कब होता है? जब हमारे ही स्कूल के अंदर हम सब एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, जैसे राखी मेकिंग कंपटीशन है ना, रंगोली मेकिंग कंपटीशन है ना. तो अगर ऐसे कंपटीशन है तो वो इंट्रा स्कूल होते हैं. तो भैया इंट्रा मतलब इनसाइड योर सेल्फ और इंटर मतलब विद अदर्स. तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होगी अपने आप के बारे में समझ पाना, जो कि किसमें आई होती है? योगिक पीपल में, है ना, इन सब में आई होती है. तो इंटरपर्सनल इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है. लॉक कर दीजिए कंप्यूटर जी. हाय पायल जी, बताइए गाइस समझ आ रहा है? जो जो लोग देख रहे हैं लाइक कर दो यार जल्दी से. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं. इजी क्वेश्चन आ रहे भाई, ऐसा पेपर है कि ये तो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20. द आई क्यू रेंज फॉर इंडिविजुअल्स विद मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी. इंपॉर्टेंट. रेंज नहीं दे रखी. कौन सी होती है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड. आओ भाई, 55-70 होती है माइल्ड की. अब इससे नीचे और 35-40 के ऊपर वाली वो होती है हमारी मॉडरेट, है ना. तो भैया ये हो गई माइल्ड, ये हो गई मॉडरेट, ये हो गई सीवियर, और ये तो है नहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि 90-100 इज नॉट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो हमें पूछा कौन सी है? मॉडरेट पूछी है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. 35-50 है ना, दैट इज द राइट आंसर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये हो रहा रिस्पॉन्स. ऐसी रिस्पॉन्स करते रहो बेटा. ऐसी ही मेहनत जीवन में रंग लाती है. ऐसी ही मेहनत जीवन में रंग लाती है. यू कैन सिट बैक, रिलैक्स, नॉट स्टडी, एंजॉय योर लाइफ, बट दिस इज द टाइम टू वर्क. दिस इज द टाइम व्हेन यू से सॉरी टू ऑल द पीपल अराउंड. दिस इज द टाइम जब तुम अपने आप पे फोकस करो. यही मौका है खुद की लाइफ बनाने का. उसके बाद ये मौका दोबारा नहीं आएगा. एक साल इंतजार करना पड़ेगा इस मौके के लिए. अगर आपकी 16 तारीख की डेट है आज, भाई साहब कौन सी तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई मेरे ख्याल से, अगर आज भी तुम ध्यान से पढ़ने नहीं बैठे ना, तो तुम फेल होने के लिए तैयार हो जाओ. दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट. इसलिए प्लीज स्टडी हार्ड. दिस इज द टाइम ब्रो, दिस इज द टाइम यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ. अभी नहीं किया तो बाद में कभी नहीं. पूरे बोर्ड्स बर्बाद कर दियो, लेकिन ये 4 दिन अगर आप पढ़ लिए, ये 1 हफ्ता, ये 2 हफ्ता, ये 3 हफ्ता, ये 1 महीना अगर आप ध्यान से पढ़ लेना, आपसे एक अच्छा कॉलेज कोई नहीं छीन सकता. और किसी महान पुरुष ने कहा था कि जैसे कहते ना कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, है ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग. सिमिलरली कॉलेज इज नॉट एवरीथिंग. बट एक रिच डैड पुअर डैड किताब में बड़ी अच्छी बात की है, श्योरली मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी अफेक्ट्स एवरीथिंग इन आर लाइफ. मनी ही डिसाइड करती है आप सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराओगे या फिर फोर्टिस में कराओगे. सिमिलरली एक अच्छा कॉलेज ये बताता है कि आप रेपुटेशन हाई लोगे या रेपुटेशन लो लोगे. तो हैविंग अ गुड कॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट स्टफ फॉर यू. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, कीप दैट इन माइंड. देयरफॉर मेहनत पे लगे रहिए आप सब. चलो गाइस आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं. अनिरुद्ध इज ग्रेट एट मैथ्स, वेरी लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज. अरे लो सामने सामने लॉजिकल शब्द आ गया. विच इंटेलिजेंट डज ही पोजेस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर. बात एकदम लॉजिकल मैथमेटिकल है, क्योंकि मैथ्स और लॉजिक दोनों की बात कर दी है. म्यूजिकल नहीं हो सकती, स्पेशल नहीं हो सकती, लिंग्विस्टिक नहीं हो सकती. ऑप्शन नंबर 3 लॉजिकल मैथमेटिकल है. भाई ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? इससे मुश्किल क्वेश्चन तो हमारी मास्टर की स्ट्रोक वाली बुक में थे, गजब गजब लेवल के. ये तो क्या ही क्वेश्चन है. अच्छा हम आपको मुश्किल क्वेश्चन क्यों कराते हैं भैया? इस वजह से क्योंकि अगर आप हार्ड वाले सीख गए तो इजी पे तो लैंड कर ही जाओगे. इफ यू आर एमिंग फॉर द मून यू विल श्योरली एबल टू लैंड ऑन स्टार्स. बात खत्म. क्वेश्चन नंबर 22 बढ़िया है थोड़ी सी. अखिल रिसेंटली पास आउट फ्रॉम अ बिजनेस स्कूल. ही जॉइंड एन एमएनसी इन गुड़गांव. हिज सीनियर्स एंड co-workers found him to be अचीवमेंट oriented, डिपेंडेबल, रेस्पॉन्सिबल, prudent, hardworking and self-controlled. Which of the following factor is reflecting his profile? ये सारे हैं ocean model के ऊपर है. This is about ocean model.
ओपननेस टू एक्सपीरियंस डज नॉट टेल अबाउट दिस पॉइंट है. एक्स्ट्रावर्जन बताता है आप लोगों से बात कितनी करते हो. अग्रीएबलनेस बताता है कि आप कितने लोगों के साथ वो हो, कमिटेड हो, एज वेल एज आप कितने लोगों के साथ सोशलाइज कर पाते हो. मेन चीज़ जो है दैट इज कंसाइंटियसनेस के ट्रेट है. कंसाइंटियसनेस का मतलब होता है कि आप अपने मेहनत करो, ठीक है जी, आप अपनी मेहनत करो. श्रीजा कह रही है भैया मेरे पास अभी भी 1 साल है अभी सीयूईटी के लिए, तो बहुत बढ़िया बेटा मेहनत करो अपनी, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अपना करो. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. चलो गाइस आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. नियरली हम हाफ वे थ्रू पहुंचने वाले हैं. हाँ उल्टा पहुंच चुके मेरे ख्याल से. 45 का हाफ कितना होता है? 2 2 4, हाँ 22, राइट 22.5 समथिंग. चलो भाई सही है. सो कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स इज, मैंने याद है आप लोगों को बताया था ट्विन्स वाली चीज़ हमेशा याद रखना. आइडेंटिकल ट्विन्स पूछें. आइडेंटिकल ट्विन्स कौन से होते हैं? जिनका जेनेटिक मटीरियल सेम होता है. और इनके बीच में कोरिलेशन कितनी होती है? 0.90 की कोरिलेशन होती है, सबसे हाईएस्ट कोरिलेशन होती है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हायर व्हेन दे आर रेज्ड टुगेदर देन व्हेन दे आर रेज्ड अपार्ट. एब्सोल्युटली ये बात तो सच है. अब मैं सिर्फ ए कर सकता हूँ, लेकिन नीचे देखो ए एंड बी, ए एंड सी, ये सब दे रखे हैं. हायर व्हेन दे आर रेज्ड टुगेदर, आइडेंटिकल ट्विन्स को मैं एक साथ करता हूँ, अलग अलग कर दिया तो 0.60 की, 72 की हो जाती है मेरे ख्याल से. 60 नहीं, 0.72 की हो जाती है. इफ रेज्ड अपार्ट तो 0.72 की कोरिलेशन होती है, और अगर रेज्ड टुगेदर है तो 0.90 की होती है. तो श्योरली ए इज राइट. तो बी एंड डी वाला तो काट ही दो, जिस जिसमें ए है वो बच गया. अब सी बी और डी, बी डिसाइड करेगा कि सी और वो क्या नहीं है. ग्रेटर देन दैट फॉर फ्रेटर्नल ट्विंस रेज्ड टुगेदर, एब्सोल्युटली. कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस स्कोर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, एब्सोल्युटली राइट. फ्रेटर्नल ट्विंस को अगर हम एक साथ लेते भी हैं, है ना, अगर हम फ्रेटरनल ट्विंस को एक साथ लेते भी हैं, स्टिल उसकी लेस दैन वो होती है आइडेंटिकल ट्विंस. क्यों भैया? आओ मैं आपको बता देता हूँ. आइडेंटिकल ट्विंस टुगेदर, आइडेंटिकल ट्विंस अपार्ट, फ्रेटरनल ट्विंस टुगेदर, है ना, फ्रेटरनल ट्विंस अपार्ट, और फाइनली सिबलिंग्स. यह आपका होगा आइडेंटिकल ट्विंस टुगेदर की कोरिलेशन 0.90 की होती है, ये हो गई 0.72 की, ये हो गई 0.60 की, ये 0.50 समथिंग होती है, और ये 0.25 होती है ना. कि आप अपने भाई साहब, अपने भाई बहन से 25% हो अगर आप दोनों ट्विंस नहीं हो, ठीक है जी. तो फ्रेटर्नल ट्विंस रेस टुगेदर उनसे तो ज़्यादा ही होती है इनकी, तो बी भी सही है. अगर ए एंड बी सही है तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. बाकी देखते हैं. लोअर देन दैट फॉर एनी अदर ब्लड रिलेटिव, फॉल्स. द सेम वेदर दे आर रेज टुगेदर इन अ पार्ट, ये भी फॉल्स. तो ए एंड बी इज द राइट आंसर. सी और डी को देखना ही क्यों? सी और डी को देखना ही क्यों जब हमारे पास पहले से ही आंसर है? दिस इज हाउ यू वर्क स्मार्ट. आपको स्मार्टली क्वेश्चन करने हैं, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने, क्योंकि आपको आंसर मिल गया. ए एंड बी इज द राइट आंसर, वाई टू लुक फॉर सी एंड डी, बिकॉज वो एक साथ लिखे ही नहीं है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 23 समझ आया? यस और नो बता दो एक बार, बताओ भाई. क्वेश्चन नंबर 23 समझ आया? यस सर, ग्रेट. जो जो लोग इस बार देख रहे हैं लाइव, लाइक कर दो. जिन्होंने नहीं किया है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट इज लाइकली द कॉज ऑफ रचित्स डिप्रेशन? अच्छा जी, अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी कौन सी थी पर्सनैलिटी की? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को, क्या थी अल्फ्रेड एडलर की बात? एल्फ्रेड एडलर की मेन बात क्या थी? हमने अभी अभी बात करी है उसकी. व्हाट इज द मेन बात ऑफ एल्फ्रेड एडलर, जिसके पीछे उनकी पूरी पूरी थ्योरी है? ही वॉज अ पोस्ट फ्रॉइडियन, बताओ व्हाट इज इट. आई होप आता हूं. बोलो बोलो क्या है उनकी कहानी एल्फ्रेड एडलर की? नहीं पता क्या? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसने दिया था भाई? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसने दिया था? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, अ पर्सन नीड्स टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी दैट हैज इमर्ज इन चाइल्डहुड. एब्सोल्युटली राइट. कि ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बचपन में होता है, और इसे ओवरकम करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है. मेन चीज इन्होंने करी थी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रचित्स डिप्रेशन मे बी कॉज बाय ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इन चाइल्डहुड, नॉट एट ऑल.
हिज साइकोपैथोलॉजी मे भी हैव बीन कॉज्ड बाय लर्निंग मैलएडॉप्टिविज़, नहीं भैया, हिज डिप्रेशन मे बी ड्यू टू डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशन, ये तो कैरन हॉर्ने कहती, ये तो कैरन हॉर्ने की बात है, तो ये भी नहीं है। तो फोर बचा, हिज डिप्रेशन मे हैव बीन कॉज बिकॉज ही हैज नॉट बीन एबल टू ओवरकम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। फोर इज द एब्सोल्यूटली क्रिस्टल क्लियर राइट आंसर, फोर इज द एकदम बढ़िया झकास वाला राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो। आई क्या समझ में आया, क्या मगज में आया, क्या फोर इज द राइट आंसर? क्या हो गया, क्या हो गया? 12 बच्चे देख रहे तो बोल क्यों नहीं रहे? चार्ट रेट कम कैसे हो गया? आंसर नहीं आता था? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखो, है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देखो। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डेफिनेशन ऑफ बुद्धि? अरे बुद्धि का हमें कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेपी दास ने वर्ल्ड को समझाया था। इन्होंने बोला था दो प्रकार की एबिलिटीज होती है ना जी। आओ भाई देखते हैं, स्किल ऑफ मेंटल इफर्ट एंड डिटरमाइंड एक्शन, हाँ भाई ये तो होती है। स्किल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, जी नहीं ये नहीं होती। अफेक्टिव एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस, ये भी होती है। क्या कॉम्पिटिटिवनेस होती है? नहीं ये नहीं होती। तो ए एंड सी कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ए एंड सी एब्सोल्युटली ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। इसमें तो कोई ऑप्शन कोई बात ही नहीं है। बी और डी तो साफ साफ गलत है। इन्होंने इतने ऑप्शन ईजी बना दिए। आई मेक मच मोर हार्ड ऑप्शन फॉर यू गाइज, दीज आर वेरी इजी ऑप्शन, है ना भाई? चलो भाई, समझ आया? इंटर। चलो क्वेश्चन नंबर 26, करीम डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ इन फॉलोइंग मैनर। आई एम करीम, आई एम ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ सिंगर, आई डू बिलीव इन गॉड एंड डेस्टिनी। इन दिस केस करीम इज डिस्क्लोजिंग हिज, इसमें सब कुछ बता रहा है वो अपने बारे में। उसने एक बार भी बोला आई एम करीम, आई एम अ मुस्लिम, तो इसने कोई भी सोशल आइडेंटिटी तो दी नहीं, कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं दी। तो वो क्या बता रहा है अपनी? वो बता रहा है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी। कैसे भैया? मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, ऑनेस्ट पर्सन हूँ, एक सिंगर हूँ, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर भैया, है ना? सर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कर करके पक्की हो गई। शाबाश, कोई ना बात। चलो गाइस, ग्रेट, हाँ ग्रेट, वन इज द राइट आंसर, गुड गुड। समझ आ रहा है तुम लोगों को? अरे बाप रे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। अकॉर्डिंग टू गेलन, अरे भैया, मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स? गेलन साहब कौन थे भैया? गेलन साहब ने हमें बोला था कि ये जो वर्ल्ड है ये एलिमेंट से बना हुआ है। अरे भैया, मतलब इससे बेहतरीन इस, एक सेकेंड है? देखो, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन टू मच हरी टू मेक योर ऑप्शंस, एंड ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, एंड ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी एंड डी ओनली, ए बी सी एंड डी ओनली। अरे भैया, अर्थ वाटर फायर, रजस तो कोई होता ही नहीं एलिमेंट, रजस तो सातवां रजस तमस होता है। अगर आपको ना भी आता हो तो भी आपको आंसर आ जाएगा यार, आपको पता भी ना हो तो, है ना भाई? ना भी बताओ तो भी आंसर आता है। क्या मजाक कर दिया? तो इसमें ऑप्शन वन इज राइट, टू भी राइट, थ्री भी राइट, फोर भी राइट, तो क्या बात है यार, मजाक ही कर दिया ये तो एनटीए ने। बताओ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक डैम, गिव मी द फंड्स एंड आई विल ब्लडी डू इट, आई कैन साइन दिस। ये जो है ना, ये जो एनटीए जो भी करा रहा है, इनसे बेटर ही करवा देंगे हम। मेरी तो फिफ्थ की डेट है। अरे खुश रहो बेटा, दूर का पड़ गया, पास का पड़ता तो रोते। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीपल ऑफ बिरहोर ट्राइब ऑफ झारखंड? ये बिरहोर ट्राइब का क्या सीन है? स्ट्रेट अप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, स्ट्रेट अप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। सपोज मेरे को नहीं आता, ऑब्वियस ही बात है, आप देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, अर्ली एज अलाउड, फ्रीडम, तो अब मेरे को याद आ गया कि ये तो दो प्रकार की उनके बारे में कल्चर एंड इंटेलिजेंस का सीन है, कल्चर एंड इंटेलिजेंस का सीन है कि कुछ कल्चर्स जो होते हैं अपने बच्चों को आज़ाद घूमने देते हैं, वहीं कुछ कल्चर्स होते हैं जो बच्चों को, जैसे कि वो एग्रीकल्चरल एंड ट्राइबल, एग्रीकल्चरल एंड ट्राइबल कल्चर्स, पूरा पूरा एनसीईआरटी, मतलब इन्होंने उठाई
ऑप्शन देखे, मतलब लाइंस देखी और लिख दिया। तो एक चीज़ देख लो, एनसीईआरटी के बाहर तो वैसे कुछ ना आ रहा है ना। चलो, चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इसमें सिर्फ एक ही होगा जो नॉट ट्रू है। अर्ली एज आर अलाउड टू अनॉर्मस फ्रीडम टू मूव इन टू फॉरेस्ट एंड लर्न हंटिंग एंड गैदरिंग, ये तो सही है। द बिरहोर ट्राइब लिव्स अ नोमैडिक लाइफ विच रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट इन स्मॉल बैंड फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर इन सर्च ऑफ गेम्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। गेम्स ये देखना पड़ेगा। देयर चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस आर एम टू मेक चाइल्ड ओबीडियंट नर्चरिंग टू यंगस्टर्स, एंड ये गलत है क्योंकि ये तो एग्रीकल्चरल वाले करते हैं, ये तो एग्रीकल्चर वाले करते हैं। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है। देयर चिल्ड्रन आर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, ये बात भी सही है ना भाई, तो इसको गेम्स भी मान ही लेते हैं। सो भैया एट द एंड ऑफ द डे थ्री इज द राइट आंसर, थ्री इज द राइट आंसर। क्यों भैया? क्योंकि वो गलत है। थ्री 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 इज द राइट आंसर, क्योंकि वो गलत आंसर है, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में है, समझे? नहीं पता ना तो बेटा रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अकॉर्डिंग टू विगॉट्स्की साहब, हायर मेंटल फंक्शन सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। विगॉट्स्की कौन था पहले? तो विगॉट्स्की वो थे जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, हमने इनकी फोटो भी डाली हुई है हमारी बुक के अंदर, है ना। और वाह, आई कैन राइट रशियन, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये बकवास क्या लिखी है। वाह 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 वाह, दिस इज अ न्यू वन, गॉट इट। तो इसका हम लिखेंगे नाम विगॉट्स्की। चलो भाई एंटर करते हैं। ये देखो जी, ये थे हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट विगॉट्स्की साहब, जिन्होंने कल्चर एंड इंटेलिजेंस की बात दी थी। और ये कल्चर एंड इंटेलिजेंस की जो बात है वही बात को हम यहाँ पे दोहराने वाले हैं। तो भैया इनके हिसाब से दो प्रकार की चीज़ होती थी, जो लोअर मेंटल फंक्शंस हैं वो यूनिवर्सल होते थे, और जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो कल्चरली बेस्ड होते थे। तो हायर मेंटल फंक्शंस आर इनहेरिटेड, नहीं। कल्चरली प्रोड्यूस, यस। टेक्नोलॉजिकली डेवलप, नहीं। एक्वायर्ड, नहीं। टू इज द राइट आंसर, टू इज द राइट आंसर। कितने भोले लग रहे हैं ना, सही में बहुत ज़्यादा भोले। ओ मेरा भोला है भंडारी। वैसे आपको पता है सावन का महीना आने वाला है, 2 दिन में सावन का महीना शुरू है, और उसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी हमारे देश के अंदर। आई लव इट, लाइक आई हैवेंट बीन इन द कांवड़ यात्रा स्टफ, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दैट वाइब इज नेक्स्ट लेवल। आई पर्सनली लव इट अ लॉट, है ना। आई पर्सनली लाइक इट। तो भाई आने वाला सावन का महीना, आई हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा। मेरे हमेशा टेबल पे ये आदि योगी क्या पिक्चर हमेशा लगी रहती है, दिस ऑलवेज देयर देयर, ये हमेशा लगी रहती है। आई पर्सनली लव दिस पिक्चर सो मच। उल्टा मैं हमेशा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जब पढ़ता था, मैं जब क्लास 12th वगैरह में पढ़ रहा था, तो मेरे को 10th क्लास में दिवाली पे मेरे टीचर ने ना एक कैलेंडर दिया था, और उस पर शिव जी की बड़ी खूबसूरत फोटो थी। मैं जहाँ पढ़ता था उसके सामने मैं शिव जी की वो फोटो रखता था, वो कैलेंडर रखता था। भाई आई डोंट नो व्हाट, बट उस इमेज के अंदर कुछ ऐसा था कि पहली बात तो उसको एक बारी में मैं देख नहीं सकता, बट डैम जब वो फोटो सामने होती थी ऐसा लगता था लिटरली ही इज लुकिंग एट मी व्हेन आई एम स्टडिंग। एंड मैं उस फोटो के सामने रोया हूँ, मैं उस फोटो के सामने हंसा हूँ, मैंने इतना सब कार्य करे उस फोटो के सामने। दैट होल्ड्स अ वेरी डीप मीनिंग इन माई लाइफ, वेरी डीप मीनिंग। सो एग्जैक्टली भाई, तो आपके एक ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बनाओ, मेक योर स्टडीज लाइक अ भक्ति। आप अपनी चाहत करो, प्यार करो अपनी पढ़ाई से, उसमें मग्न हो जाओ। क्या पढ़ाई होगी फिर यार, क्या पढ़ाई होगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आओ भाई, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन रीजनिंग आ गए गुरु, असर्शन रीजनिंग आ गए। ठीक है जी, रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव, ए इज ट्रू। तो ये वाला काट दो। ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर सम मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिटेन एंड रिट्रीव। एब्सोल्युटली राइट, कि मिनिमम एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। सो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। थ्री थ्री कैसे हो सकता है, 1 ही तो होगा। ये तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या एक दूसरे के आंसर्स? हाँ, 1 इज द राइट आंसर भाई, ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। कैसे भैया? क्योंकि यही लाइन है, रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट, जब भी आपको समझना हो ना असर्शन रीजनिंग उसको एक साथ पढ़ो। रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव,
ऑल एज लगा दो, एज बिकॉज, बहुत अच्छा तरीका था, मैंने बच्चों को समझाया था एक बार जब टर्म वन के, जब भी आपको करना हो ना इनके बीच में बिकॉज लगाने की कोशिश करो, बिकॉज ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर सम मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड कैपेसिटी, एब्सोल्युटली राइट, सेंस तो बन रही है, अगर सेंस बन रही है तो यह आंसर सही है। हाय खुशनूर, आपको पहली बार देखा, मैंने तुम्हें देखा क्लास में पढ़ते हुए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 31 अगेन। अब देखो इन्होंने तीनों पैटर्न फॉलो कर लिए, पहले सारे जनरल क्वेश्चंस, फिर आ गई थोड़ी सी केस स्टडीज, फिर आ गई आपके असर्शन रीजनिंग, एंड में कॉम्प्रिहेंड करेंगे कितने केस स्टडी है कितने असर्शन रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आईक्यू स्कोर टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट अ बेल शेप्ड कर्व, इज ट्रू, एज ओनली अ फ्यू पीपल हैव ईदर वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स। यस, ये बात भी सही है, बेल शेप्ड का मतलब ही तो यही है कि मैक्सिमम जो स्कोर्स हैं वो मीडियन पे होते हैं और मीडियन मीन पे होते हैं और मीन आईक्यू इज 100, यही तो बात है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो वेरी एक्सट्रीम्स पे होते हैं, ना ही किसी की बहुत ज़्यादा कम है ना ही किसी की बहुत ज़्यादा है ना। 15 लोग देख रहे हैं, लाइक क्यों नहीं करा अभी तक, लाइक करो जल्दी से, सब्सक्राइब कर रखा है तो कर लो यार चैनल को जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा डेली एक्टिविटीज़ आती रहती है हमारी, है ना। तो 1 इज़ द राइट आंसर, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सच बात है, ईजी है, नहीं समझ आए तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं भाई, 2-3 असर्शन रीजनिंग देके इनका तो मन खत्म हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है खतरनाक चीज। अब आप कैसे करोगे, अब आप ये कैसे करोगे, दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था और मैं इतना बिजी था कि मैं उनका व्हाट्सएप का आंसर नहीं दे पाया। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कौन सी अप्रोच कौन सी है, आपकी किताब में बिल्कुल अच्छे से मेंशन नहीं है। आई डिबेटेड विद लॉट्स ऑफ टीचर्स बिहाइंड दिस, बहुत मैंने डिबेट करी थी कि मैम ये तो ढंग से लिखा ही नहीं है, बच्चा बेचारा समझेगा कैसे, टीचर्स ने भी कहा कि हाँ यार ये थोड़ा सा ख़राब है इसमें, और यही है। अब यहाँ पर देखो द अबव, यहाँ पे पेज नंबर 7 पे आफ्टर जेपी गिलफोर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ बोला गया द अबव मेंशन थ्योरीज आर प्रेजेंटेशन ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच, ध्यान से, द अबव मेंशन थ्योरीज आर मैटर ऑफ साइकोमेट्रिक। अब ये पेज नंबर 7 पे, और उसके पहले कौन सी थी, इस चीज़ को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग इसको बना लो, एंड अगर राधिका देख रहे तो ये राधिका के लिए भी है कि भैया साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन सी आती है, यूनिफैक्टर थ्योरी आती है, बायफैक्टर थ्योरी आती है ना, आर्थर जेंसन की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आता है, नहीं नहीं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है, हरार्की ऑफ इंटेलेक्ट है ना, हरार्की वाली आती है आर्थर जेंसन की मैं बात करूं, फिर कौन आता है आपके पास, आता है ये थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज लुईस थर्स्टोन की, और फाइनली आती है आपकी जेपी गिलफोर्ड की, कौन सी वाली आती है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जेपी की क्या आती है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जबकि ये साफ साफ दिखती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है कि अप्रोच ना हम डिसाइड नहीं करते, ठीक है जी, इसको कौन डिसाइड करता है, जिसने थ्योरी बनाई है, तो वो उस थ्योरी बनाने में कैसा भी दिखे आई डोंट नो, बट ऑल ऑफ दीज आर साइकोमेट्रिक अप्रोचेस, एनीथिंग बियॉन्ड दीज आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कौन सी है भैया, आओ दिखाता हूँ भैया कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर की आ जाती है, अच्छा जी, उसके बाद कौन सी आती है हमारी, आती है इसके बाद ट्रायार्किक थ्योरी आती है, इसके बाद कौन सी आती है हमारे पास, पास मॉडल आता है, ये तीनों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, मार्क कर लो लिख लो, ठीक है जी, इसको मार्क कर लो एंड लिख लो, क्योंकि ये सुपर डैम इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप लोगों को पता हो। सो इनमें से कौन सी है, वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये तीनों की तो, तीनों तो क्या है भैया, ये तो है साइकोमेट्रिक अप्रोच, तीन नहीं है तो एक ही है, ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, गुड गुड, समझ आ रहा है आप लोगों को, आई लाइक इट, आई लाइक इट, एक सेकेंड मैं दे भेज ही देता हूँ। Hmm.
एंड इसी बात पे मेरे फोन का कैमरा भी नहीं चल रहा चल रहा। लो भाई तो राधिका को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, आखिरी के कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास बच रहे हैं। अ क्राउड कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, बिना आंसर ऑप्शन पढ़े बता देता हूँ, अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट एट अ प्लेस बाय चांस, हैव अ कॉमन गोल। नहीं भैया, कोई कॉमन गोल तो नहीं होता। ऐसे होता भी है बट नहीं होता। कॉमन गोल क्यों नहीं होता भैया? ये क्राउड गलती से इकट्ठा हो जाता है। अच्छा जी, हैव पॉजिटिव एनर्जी, अरे बिल्कुल भी नहीं, किसी को तो फर्क भी नहीं पड़ता। मेंबर्स होल्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, नहीं भैया, अरे टीम थोड़ी ना है। मे बी प्रेजेंट इन अ प्लेस बाय चांस, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर, है ना। हाय मोहित, हाउ आर यू। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं गाइस, है ना, आगे चलते हैं। एक सेकंड, लेट मी टेक अ ब्रेक। आओ भाई, अकॉर्डिंग टू डायल हिसेस, ये देखो, मतलब तुम ये देखो, इन लोगों के पास वर्कफोर्स की कमी नहीं है, इन लोगों के पास वर्कफोर्स की कमी नहीं है। एनटीए के पास, एनटीए इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, और ये फिर भी गलतियां करते हैं। अबे वो क्या बोलूं, छोड़ो, इतना भी हमें रूड नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, डायल हिज, अबे भाई एक बार करो तो गलती होती है, दो बार करो तो हरकत होती है। अच्छा जी, इसके हिसाब से क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन का डिसऑर्डर, एब्सोल्युटली राइट, डिसऑर्डर नहीं होता, सोशल फैक्टर कल्चर फैक्टर नहीं होता, वन इज द राइट आंसर। डायथेसिस क्या होता है, एक इंसान के अंदर पहले से ही बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होती है किसी भी कार्य को, किसी भी एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर को एक्वायर करने की, है ना, सिंपल सी बात है। मज़ा आ रहा है गाइज, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, वैसे मेरे ख्याल से सबने लाइक कर रखा होगा। 35 पे चलते हैं, आखिरी के टॉप 10 क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इफेक्ट्स एटीट्यूड ऑफ चेंज, हाय राम यार, हाय राम, इतने स्पेलिंग एरर तो मतलब ये ग्रामरली भी ले लेते ना तब भी ना होते, बताओ। हाय राम, ये एनटीए है, दिस इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सोचो भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स करेक्टर, सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैन अफेक्ट एटीट्यूड चेंज, सोर्स के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, दो होते हैं, एक होते हैं उसका क्रेडिबिलिटी और दूसरा उसका क्या होता है, उसकी लाइकेबलनेस, क्या होता है, अट्रैक्टिवनेस, उसकी दूसरी चीज़ होती है अट्रैक्टिवनेस। तो भैया क्रेडिबिलिटी अट्रैक्टिवनेस, क्रेडिबिलिटी ऑप्शन में है भैया, हाई हाइट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, बाहर में जाओ, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, बात खत्म। मैंने देखना ही नहीं, मैंने देखना ही नहीं, बात खत्म। चलो भाई आगे चलते हैं, गुड, सही जा रहे हो, अच्छा जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स मे बी कॉज ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ विच न्यूरो ट्रांसमीटर। अरे भैया पहले देखो, ICD-10 तो हो ही नहीं सकता, बच्चा सेरेटोनिन, डोपामीन और गाबा, ये कहाँ से आता है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर जेनेटिकल फैक्टर्स है ना, उसके अंदर जेनेटिकल फैक्टर्स है। अब आप बताओ लो लेवल ऑफ विच। अच्छा जी, अगर गाबा की वजह से होता है एंग्जाइटी, तो एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ इन दोनों में से कौन सा होता है जिस वजह से स्किजोफ्रेनिया होता है, एक्सेसिव एक्टिविटी कौन से वाले की वजह से स्किजोफ्रेनिया होता है ये बताओ, एंड लो एक्टिविटी ऑफ विच वन, विच न्यूरो ट्रांसमीटर कॉजेज डिप्रेशन। हाँ, एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ डोपामीन, हद से ज़्यादा एक डोपामीन हो जाए तो स्किजो हो जाता है, स्किजोफ्रेनिया, और लो एक्टिविटी ऑफ सेरेटोनिन से क्या होता है, आपको डिप्रेशन हो जाता है। सो भैया दो तीन आंसर तो हमें पता ही है, तो ये गाबा की वजह से होता है, लो एक्टिविटी ऑफ गाबा इज द राइट आंसर, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 36, ये बात, जय महाकाल, लाइक कर दीजिए बच्चों जल्दी से। पागल आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 37, ओहो, अरेंज द 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गिवन बाय फ्रॉयड। चलो भाई देखते हैं, सबसे पहले होती है ओरल, ओरल यानी डी, डी से कौन, अब देखो पूरा मैंने सॉल्व ही नहीं करना, मैंने टाइम बचाना है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं करना,
डी नंबर वन पे, दोनों में वन पे नहीं है, थ्री पे नहीं है, काट दो। सी और बी की बात है, अरे भैया जो भी नेक्स्ट होगा वो उसको डिसाइड करेगा। ओरल के बाद एनल होता है, यानी टू, यानी बी आना चाहिए। डी के बाद सीधा बी, ऑप्शन नंबर फोर में, ओनली फोर इज द राइट आंसर। मैंने सारे लगाए ही नहीं, मैंने सारे लगाए ही नहीं। करते हो ऐसे, करना चाहिए ऐसे। दिस इज द राइट वे टू डू इट, दिस इज अ गजब का वे, दिस इज अ दिमागी इंसान का वे। क्यों मैं पूरा पूरा पढ़ूं, मैं पढ़ा पूरा पूरा क्यों करूं जब मेरे पर टाइम की कमी है? तो क्यों पढ़ूं मैं पूरा पूरा? मेरे को दिख गया भैया डी के बाद सी या बी का ऑप्शन है। सी हो नहीं सकता क्योंकि वो फेलिक स्टेज है, बात अपनी एनल स्टेज थी। डी के बाद बी ही आएगा, बाकी सारे तो आने ही हैं। तो खाम खा में मेहनत क्यों करनी, दिमाग लगाओ, स्मार्ट बनो, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम स्मार्ट गाइज। आओ भाई, ओ हो, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ सी आ गई, मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट की बात आ गई भैया, ये तो मेरे को नहीं आती भाई ये लिस्ट, क्या करेंगे? जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है मैं उसके हिसाब से करूँगा, ठीक है जी? मेरे को जो थोड़ा बहुत पता है मैं उसके हिसाब से। पॉल कॉस्टा, रॉबर्ट मैकरे, ये मैं जानता हूँ, ये इन्होंने ओशन मॉडल दिया था, और ओशन मॉडल को बिग फाइव फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, फाइव फैक्टर भी देखते हैं। तो भैया वन का होगा सी, सी के पास वन दो में है, टू में है, फोर में है, इसमें वन में फोर है सी के पास, और इसमें भी फोर है, तो टू और फोर तो कट गया। अच्छा जी, अब बी के पास थ्री या फोर, बी क्या है भैया? टी ए थी, थेमाटिक एप्रिसिएशन एपरसेप्शन टेस्ट। अब इसमें मॉर्गन एंड मरे ने दिया था, क्या दिया था भाई मेरे को अभी भी नहीं पता, बट मेरे को ये पता है भैया कि डी जो है एनालिटिकल साइकोलॉजी, वो किसने दी थी? वो कार्ल यंग ने दी थी, है ना? कार्ल यंग ने क्या दी थी? एनालिटिकल साइकोलॉजी, यानी डी का फोर, फोर के अंदर डी का थ्री है, टू इज द राइट आंसर। मैंने बस दो ऑप्शन सॉल्व करे और मेरा पूरी मैचिंग हो गई। समझदार बच्चा सिर्फ दो ऑप्शन करेगा, बुद्धू बच्चा सारे ऑप्शन लाएगा। हाँ, वो ए का तो ये हो रहा है, अच्छा ए का ये है, अच्छा ए का ये। अरे भाई इजीएस्ट ढूंढ, इजीएस्ट के बाद बस सेकंड ऑप्शन ढूंढ ले, तेरा पूरा आंसर हो गया मेरे बच्चे। ऐसे काम करना, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, समझदार बनो, है ना भाई? गुड, अब अभी तक मैं समझ गया होऊंगा कि आप लोगों को आ गई है। डेवलपिंग अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन इज नोन एज अगोराफोबिया, इट इज कॉल्ड एज अगोराफोबिया। पैनिक डिसऑर्डर नहीं है, कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, इन्होंने तो ऑप्शन भी इतने से दिए हैं। अबे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डाल देते, बच्चे की फट जाती है ना, ये हुई ना बात समझदार बनना में, बट इसमें डाल देते सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बात ही खत्म थी। तो अगोराफोबिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री, क्योंकि बाकी तीनों तो दूर दूर से फोबिया से रिलेटेड नहीं है। बताओ बताओ, हद ही हो गई, मतलब इतना इजी पेपर है, 45 में से 45 आने चाहिए यार इसमें तो। बट इसमें तो ऑप्शन, अच्छा बाय द वे इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हमें 45 करने हैं, पता है ना? बताओ, 50 क्वेश्चन है और हमें करने 45 है। तो भैया जो भी आपको मुश्किल लगे छोड़ देना, अभी तक तो हमें एक भी मुश्किल नहीं लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कब होता है? जब सेल्फ के ऊपर कोई कार्य किया जाता है, जब सेल्फ के ऊपर, नहीं सर 40 करने हैं, 45 नहीं करने, 45 नहीं करने यार, क्या बात कर रहे हो, 45 करने हैं। बाकी लोग भी बताओ, मेरे ख्याल से तो 45 करने हैं। वाह, यस सर 45 करने हैं, कोई 40 कह रहा है, कोई 45 कह रहा है। सर अगर ज़्यादा करते तो क्या होगा? जो पहले हैं वो काउंट होंगे मेरे ख्याल से तो। आओ देखते हैं भैया, आओ भाई देख लेते हैं एक बार, आज करते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, बटर का बटर, चीज़ का चीज़। 40 करने हैं, अब 40 तो बहुत इजी हो जाएंगे, इनकी वेबसाइट अभी भी ना चल रही। वाह यार, अगर सिर्फ 40 ही करने हैं तो हो गई है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना चिकना, क्या बात है, बस 40 करने हैं। ये लो जी, हमने तो मोस्ट ऑफ दी कर ही लिए। ये हमारा 40वां क्वेश्चन है, मैं तब भी 50 कराऊंगा। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा गुरु? कि आपके जब शुरू के 40 है वो गिने जाएंगे, बात खत्म।
सही में सिर्फ 40 करने हैं। डेम बॉय डेम। और इनकी वेबसाइट ना आई, मौत ना आई, एनटीए की वेबसाइट भी ना आई। चलो भाई, सेल्फ इज एन एंटिटी दैट डज समथिंग, ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये होता ही नहीं। जिस जिसमें ए है वो काट दो। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 4 इज द राइट आंसर। एल एल, बात ही खत्म हो गई। हमने बिना पढ़े इसका आंसर दे दिया, क्योंकि हमें पता है सेल्फ एज सब्जेक्ट में सेल्फ डज समथिंग है ना। हमें पता है सेल्फ एज सब्जेक्ट के अंदर सेल्फ कुछ कार्य करता है। सेल्फ एज ऑब्जेक्ट मतलब सेल्फ के ऊपर कोई कार्य हुआ है, और अगर कोई कार्य हुआ है, अरे भैया जी, तो फिर तो सेल्फ इज एन एंटिटी डॉट डज समथिंग हो ही नहीं सकता। 3 में ए डाल रखा है, 4th में बी सी डी है, तो भैया वही आंसर सही है। चाहे मेरे को बी सी डी पता भी ना हो, चाहे मेरे को बी सी डी पता भी ना हो, लार्ज लास्ट चैप्टर से तो कुछ भी नहीं। अरे भाई, ये बेकार मॉक टेस्ट बनाया उन्होंने, बड़े हल्के मॉक टेस्ट है, देखेंगे आप बाकी मॉक टेस्ट कैसे हैं। और भैया देखो, अब समझ में आया इन्होंने 40 ऑप्शन क्यों दिए। जब तुम्हारे यहाँ तक 40 हो गए, तो कौन बेवड़ा है, कौन महान पुरुष है जो इतना ज़्यादा मेहनत करेगा जस्ट टू स्टडी, है ना भैया? कौन इतनी मेहनत करेगा, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ेगा? जरूरत क्या है तुम्हें, जब तुमने पहले के 40 कर लिए, अगर 40 ही करने हैं तो, जो कि आई एम थिंकिंग कि आप लोग कह रहे हो तो बात में दम होगा, है ना। आई एम माई साइकोलॉजी एग्जाम ऑन 4th अगस्त। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आओ भाई, मजा आता है मेरे को। आई लव, हमारी किताब आ रही है वेरी सून, 15 अगस्त से पहले पहले हम उसको रिलीज करेंगे। ग्रैंड अनाउंसमेंट होगी यूट्यूब के ऊपर, और इट विल बी। हाँ, तुम पहले बोल लो साक्षी। नहीं, ये कर लो पहले, मतलब बच्चे पढ़ाई ना करें, तुम्हारा आंसर देख लें। गलत बात है किडिंग, बहुत बढ़िया है ना। तो हम 15 अगस्त से पहले हमारी रिलीज कर देंगे बुक, बहुत ही अमेजिंग। उसमें हर एक 90 डिसऑर्डर्स के केस स्टडीज कर रहे हैं हम ना ना यार, कोई नहीं, चलो भाई देखते हैं। सोहन इज अ 70-year-old मेल हु हैज रिपोर्टेड दैट हिज मेजर प्रॉब्लम वॉज वरिंग। वरिंग है, एंगजाइटी रिलेटेड चीज़ है। ही हैज़ द हैबिट टू वरी ऑल द टाइम फॉर ऑल द थिंग्स। अच्छा जी, फॉर ऑल द टाइम फॉर ऑल द थिंग्स, अगर वरी की बात है, यानी आपके पास पैनिक डिसऑर्डर या एंगजाइटी डिसऑर्डर है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि कौन सी चीज़ कर रहा है। ही वरीज अबाउट हिज वाइफ हु इज गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर पैरालिसिस, वेदर ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क एट होम। ही इज अनेबल टू कंट्रोल हिज वरिंग। अच्छा जी, हद से ज़्यादा है। अकम्पनिंग दिस सक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल वरी आर डिफिकल्टी लाइक प्रोलॉन्ग। मैं पूरी पढ़ ही नहीं रहा, वेग। अब पहले पढ़ लेते हैं कि नीचे ऑप्शन कौन से हैं। स्किजोफ्रेनिया नहीं हो सकता, सेपरेशन एंगजाइटी डिसऑर्डर नहीं है क्योंकि वरी की बात है। पैनिक और जीएडी, पैनिक तब होता है जब एक स्पेसिफिक चीज़ हो, लेकिन यहाँ पे तो जनरल है, तो जी ए डी इज़ द राइट आंसर। 2 इज़ द राइट आंसर। पूरी पढ़ते भी रहोगे तो कोई लोड नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें बता दिया कि थेरेपिस्ट जेंटली प्रोब्स हैं, मुझे क्या, मुझे क्या। अगला क्वेश्चन हावेवर इस पर रिलेटेड हो तो बात आ गया। हाँ, ये देखो, वो सोहन सोहन की दोबारा बात आ गई। सोहन रिपोर्ट्स दैट इज पेरेंट्स वर इनडिफरेंट डिस्करेजिंग एंड इराटिक, दिस मे रिजल्ट इन बेसिक एंगजाइटी अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने। हमने बात करी है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, बेसिक हॉस्पिटलिटी होता नहीं है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, तो बेसिक एंगजाइटी इज द राइट आंसर। बिना ऊपर की केस स्टडी पढ़े भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बताओ। इतने ईजी आंसर्स हैं, इतने ईजी आंसर्स हैं, है कि नहीं है? मतलब आ रहा है, समझ आ रहा है, आई होप समझ आ रहा हो। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 43, उसी से रिलेटेड। सोन्स रिलेशनशिप विद साइकोथेरेपिस्ट कैन बी रिफर्ड टू एज। मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा। प्राइमरी रिलेशनशिप, सेकेंडरी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, या थेरेप्यूटिक अलायंस। भैया थेरेप्यूटिक अलायंस इज द राइट आंसर। क्यों ये राइट आंसर है भैया? क्योंकि थेरेप्यूटिक अलायंस ही तो कहते हैं उसे, और क्या कहते हैं, है कि नहीं? कितने ईजी क्वेश्चन है, कहाँ ही रिलेटेड है। आओ भाई, ये सोहन की कहानी पे बाकी के 10 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। सोहन ऑफन सेज आई डू नॉट नो वाई आई डिड दैट। रिप्रेशन हो रही है, रिप्रेशन। व्हेन ही इज प्रोब्ड जेंटली बाय द साइकोथेरेपिस्ट, सोहन इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म? यस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, नहीं वो तो थेरेपिस्ट करता है। सेकेंडरी अप्रेजल, नहीं डिसोसिएशन, नहीं, क्योंकि ये है रिप्रेशन। एंड रिप्रेशन, वाई आई डिड दैट, पता ही नहीं कि क्यों किया था, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में चला गया। ये कब होती है? जब हम एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, है ना भैया? तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, अच्छी स्पीड है आप लोगों की। आगे चलते हैं, सोहन के ऊपर ही बात चल रही है अभी भी भैया। सोहन को तो पड़ा हुआ है। व्हेन सोहन सेज दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज थिंग्स एंड वेंट्स फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, विच टाइप ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म इज ही यूजिंग?
बाय एंडलर एंड पार्कर, वेरी वेरी अवॉइड इंपॉर्टेंट, एंडलर एंड पार्कर, टास्क इमोशन अवॉइडेंस या पैसिव। ये क्या कह रहे हैं, वेंट्स आउट फीलिंग एंड एंगर ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वेंट्स आउट द फीलिंग्स, इमोशन की बात है, इमोशन फोकस्ड, ऑप्शन नंबर टू भैया, ऑप्शन नंबर टू इमोशन फोकस्ड है भैया। जल्दी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ना करो तो भी ठीक है, बट इट्स प्रिटी इजी यार। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 46, आखिरी के चार क्वेश्चन पे आ गए हम। क्लाइंट हैज एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नेक फोबिया, लो भैया क्या है ये, या आपका स्पेसिफिक फोबिया है। इन द थेरेप्यूटिक सेशन द क्लाइंट इज इंटरव्यूड टू एलिसिट फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस, द थेरेपिस्ट मेक्स द क्लाइंट रिलैक्स एंड टेल्स द क्लाइंट टू थिंक अबाउट लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। अरे भैया लीस्ट से फिर धीरे धीरे ओवर सेशंस क्लाइंट इज एबल टू इमेजिन, उसको कंट्रोल कर लेता है, धीरे 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 लीस्ट से लेके हाईएस्ट वाले पे पहुंच गया। इन एडिशन ही इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन टू डील विद हिज एंग्जाइटी बाय साइकियाट्रिस्ट, दीज ड्रग्स ट्राई टू ऑल्टर द लेवल ऑफ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। एक अभी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आएगा कि भैया इन्होंने साइकोथेरेपिस्ट ने कौन सा यूज़ किया, एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है गाबा इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर, और भैया सिंपल सी बात है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज द थेरेपी विच इज़ बींग यूज। देखते हैं, द क्लाइंट रिलैक्सेस, ही इज टोल्ड टू इमेजिन अ माइल्ड एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज ऑपरेटिंग हेयर, बताओ भैया। इसमें है प्रिंसिपल रिलैक्सेशन कुछ होता ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन कुछ है नहीं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, एक ही प्रिंसिपल है जो हमने हमारी एनसीईआरटी में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, कि एक छोटे वाली एंग्जाइटी बड़े अगर उससे बड़ा हमारे पास स्ट्रेस को रिलीज करने का तरीका है तो वो वैनिश हो जाती है, तो वो वैनिश हो जाती है, बात ही खत्म। ऐसे ऑप्शन दिया जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज द राइट आंसर, पक्का एक क्वेश्चन उस पर होगा। द टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट इन दिस केस कम्स अंडर विच थेरेपी, भैया हम इंसान के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, कौन सी थेरेपी का पार्ट है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, कौन सी थेरेपी का पार्ट है, बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि हम बिहेवियर को बदल रहे हैं। ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, थ्री जा रहा है, थ्री जा रहा है, सबका थ्री जा रहा है, गुड, यो इन्ना बात छोरे। आखिरी दो क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज द क्लाइंट मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, स्पेसिफिक फोबिया, तो ये लो जी फोबिया इज द राइट आंसर, फोर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जी नहीं, पैनिक डिसऑर्डर जी नहीं, सोमैटिक डिसऑर्डर जी नहीं, फोबिया इज द राइट आंसर, फोर आ रहा है, फोबिया आ रहा है सबका, फोर आ रहा है फोबिया, आ गया जी फोर आ गया, बहुत ही घना ही चोखा हो गया जी। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द मेडिसिन, मैंने बोला था द मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय साइकियाट्रिस्ट ट्राई टू ऑल्टर विच न्यूरो ट्रांसमीटर, एड्रेनलिन जी नहीं, सेरोटोनिन इज फॉर एंग्जाइटी डिप्रेशन, डोपामिन इज फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, गाबा इज फॉर एंग्जाइटी। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर, इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया जी एक पूरा एनटीए का मॉक टेस्ट। मज़ा आया क्या, कंप्लीटेड, बहुत ही बढ़िया, समझ आया, और आप मेरे को दिख रहा था कि आप लोग मोस्ट ऑफ दी क्या सारे के सारे ही वर प्रेटी मच एबल टू डू इट, है कि नहीं, मज़े में आया, अच्छा लगा गाइस, बहुत यस सर, खूब, ये कैसे बच्चों वाला मॉक बनाया एनटीए ने, बाय गॉड, ऐसा मॉक पेपर तो टर्म वन में भी नहीं बनाते, है कि नहीं, कितना मतलब इतना इजी, अगर इतना इजी आ गया ना पेपर किसी के भी, अगर 40 में से कम आए, मेरा जूता तुम्हारा मुंह है ना। डीओ की शक्ल दिख रही है आप मुझे। श्रेया कह रही है भैया शारदा इज वर्थ इट फॉर साइकोलॉजी, एब्सोल्युटली इट इज, हम पढ़ते हैं भैया, और हम पढ़ते हैं तो इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि यस इट इज, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, हाउएवर वन ऑफ आर गुड फैकल्टीज इज लीविंग, क्योंकि वो अपने PhD पे काम कर रही हैं, एंड देन शी इज शिफ्टिंग बैंगलोर, और वो क्राइस्ट बैंगलोर में ट्राई करेंगी, है ना। फ्लाइंग है डिजिटल, बेटा फ्लाइंग जूता मारूंगा मैं स्पेशली बॉक्स में, तो मैं मेल करूंगा। अच्छा एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, बेस्ट चैनल फॉर साइकोलॉजी, थैंक यू सो मच, तो आप लोग प्लीज़ बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट भवेजोत, और आप लोग प्लीज़ थोड़ा बहुत अपने दोस्तों वगैरह को भी बताओ हमारे चैनल के बारे में, प्यारा सा छोटा सा चैनल है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कुछ कहने वाला था, हाँ
जिस जिसके जिस जिसके मेरे को ये नहीं पता बाकी में अच्छा करोगे कि नहीं, जिस जिसके 40 out of 40 आएंगे इन साइकोलॉजी CUET, आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट है, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट है, और वो फिजिकल गिफ्ट होगा भैया। मैं उनकी पूरी फेलिसिटेशन सेरेमनी करूँगा, ठीक है। दिल्ली वाले होंगे तो मेरे स्टूडियो में आ सकते हैं, अगर बाहर के बच्चे हैं तो दे कैन ज्वाइन इन, और हम लोग यूट्यूब पे लाइव आएंगे उन बच्चों के साथ, और मेरी तरफ से उनके घर पे एक बहुत अच्छा गिफ्ट पहुंचेगा। और वो छोटा मोटा चॉकलेट वॉकलेट नहीं दूंगा भैया, गुडीज़ मिलेंगे, साइको प्रोडजी के गुडीज़ मिलेंगे। और मैं लिटरली गुडीज़ में पता है क्या बांटता हूँ, क्यों बताऊँ, क्यों बताऊँ गुडीज़ में क्या बांटता हूँ, इंटर्नशिप वाले बच्चों के लिए काफ़ी है वो, है ना। तो गुडीज़ मिलेंगे, छोटे मोटे नहीं, काफ़ी अच्छे मिलेंगे, बिकॉज़ यू गाइज ब्लडी डिजर्व इट। और एक और चीज़, सिर्फ गिफ्ट नहीं मिलेगा जिस जिसके, और एक और चीज़ बताता हूँ, जिस जिसके मैं कहूँगा 40 में से 35+ आते हैं, उन सबको हमारी नेक्स्ट बुक्स के अंदर कवर पेज पे उनकी फोटो और उनकी रैंक लिखी होगी, नेक्स्ट बुक के उस पे कवर पेज पे आप लोगों की फोटो एज यार वो लगेगी, हट जा लगी वीर चैनल दी बे। एड्रेस कब नोट करोगे हमारा दिन? क्या बात है, लाइक द कॉन्फिडेंस, गुड, कीप इट अप, कीप द कॉन्फिडेंस सुपर अप, डोंट लेट इट बिकम ओवर कॉन्फिडेंस, मेहनत करो, बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से ये, प्लस साथ ही साथ जिन जिन के 35+ आएंगे उनको हमारी बुक के, और एंड जो कहते हैं वही करते हैं हम, लेट मी शो यू, लेट मी जस्ट कम इन अ सेकेंड, आई विल शो यू हमारी बुक के फ्रंट पेज पे। एक्चुअली मेरे पास तो PDF भी है, तुम लोगों ने देखा होगा, जिस जिस पे हमारी बुक है उन्होंने देखा होगा कि हम लगाते हैं, ये देखो, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज, ये मैंने बाहर निकाला, यस सर देखा है। तो लेट मी शेयर, लेट मी शेयर, ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा वो भी देख ले। सो ये हमारी बुक का PDF है, किसी को नहीं मिलेगा, खरीदो बुक चुपचाप, मेहनत करते हैं हम इसके लिए। ये देखो ये देखो साइको प्रोडिजी का 2020 का रिजल्ट, क्योंकि अफसोस 2021 वाला बैच साला अभी तक फंसा हुआ है। तो ये देखो जी, और साथ ही साथ आप पूरे वीडियो के अंदर देख तो बैनर्स आते हैं कि 6 साइको प्रोडिजीज के आए थे, 100% से ज़्यादा, हमने उनको भी फेलिसिटेट किया था अच्छे से, है ना भैया। चलो भैया, फेलिसिटेट तो खैर उन्हें नहीं किया था, बट ये CBSA 2020 के साइको प्रोडिजीज हैं जिन्होंने मेहनत करी थी, हर हमारी बुक पे पिछले एक साल से इन बच्चों का नाम है, इट्स अ वेरी बिग डैम थिंग। मैं चाहता हूँ आप लोगों का नाम हो यहाँ पे, क्या आप लोग यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो? क्या हो गया भाई, कौन लड़ रहा है? अशांश गुप्ता, क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो खुशी से भाई, खुशनूर से कौन लड़ रहा है? क्या हो गया अशांश गुप्ता जी, क्या हो गया? स्टॉप सेइंग एक्स्ट्रा स्टफ, क्या एक्स्ट्रा स्टफ बोल दिया, किसने क्या गलत बोल दिया, मेरे को तो कोई गलत गलत नहीं दिखा भाई। चलो भाई, इसी हिसाब से मेहनत करते रहो, आई वॉन्ट योर इमेज ओवर हेयर, आई वॉन्ट योर मार्क्स ओवर हेयर, जो बात है, दिस इज टोकन इकॉनमी, मान लो टोकन इकॉनमी है, मेहनत का सफल मान लो तो ये सफल होने वाली मेहनत है अगले बार। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये इनावाद, ये इनावाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिस इज़ द कॉन्फिडेंस आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज, ठीक है जी, यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। और सिर्फ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक बुक पे नहीं होगा इस बार, इस बार हमारी 3 से 4 बुक्स पे होगा, 5 किताबें तो हमारी वैसी होने वाली हैं। तो कौन सी बुक्स में होगा, हमारे जितनी भी साइको प्रोडिजी की स्टडी मटेरियल आएंगे, क्लास 11th क्लास 12th उस पर होगा, साइको प्रोडिजी की जो जो बुक्स आएंगी फॉर टर्म 1 टर्म 2 जो भी होने वाला है आगे, उनकी बुक्स के कवर पेज पे आप लोगों का होगा नाम फ्रंट, ये पहला पेज है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इससे पहले कोई पेज है नहीं, इसके बाद हमारा इंडेक्स शुरू होता है, ये देखो यहाँ से हमारा वर्ड फ्रॉम ऑथर वगैरह शुरू होता है, देख रहे हो, सो आई लव इट। पहले मैं इसे कलर में छपवाता था, फिर मेरे को पैसे ज़्यादा लगने लग गए, तो अब मैं इसे कलर में नहीं छपवाता, बट एनी वेज नाम तो नाम है, बच्चे तो बच्चे हैं, गुड गोइंग गाइस। चलो इसी के साथ मिलते हैं हम आप लोगों को बाकी बाद में, अब देखते हैं अगला मॉक टेस्ट करना चाहोगे आप लोग, अगला मॉक टेस्ट करोगे, एक मॉक टेस्ट मैं बच्चों के लिए सॉल्व करने के भी डाल दूंगा जो मैं खुद बनाऊंगा, और मैं आप लोगों को भी दे दूंगा, ठीक है जी, और उसके हम ना वो सॉल्यूशंस कर लेंगे,
तो एक मॉक टेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों को, मेरी वाला, मेरे वाला कम्प्लीटली फ्री, बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए जो हमारी उसमें है टेस्ट सीरीज के अंदर, उनके लिए एक वाला मॉक टेस्ट प्लस वो दो एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट और आएंगे वो उनके लिए, यानी तीन मॉक टेस्ट मेरे बनाए हुए बच्चों के लिए आने वाले हैं। कल एक मॉक टेस्ट आएगा जो टेलीग्राम पे भी फ्री के लिए डल जाएगा, और उसका हम रिवीजन, उसका हम सॉल्यूशंस देख लेंगे। चलो भाई, इसी के साथ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, एंड इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को बाद में। बाबा टेक केयर, नमस्कार, आई वॉज अक्षत शर्मा, जय हिंद, जय भारत, आई लव यू ऑल, बाय बाय।